हेलो गाइस, एपिक रूट्स आपको लेके आ गया है महाबलीपुरम के कृष्णा मंडपम में। ये हमारे टूर गाइड है जिन्होंने वहाँ के बने स्कल्पचर को एक उनकी कहानी को एक एक करके पॉइंट आउट करके बताया है। बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था उसकी कहानी है, ग्वालों की कहानी है, गोपियाँ जो कि श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन पे सुदबुद खो जाया करती थी, माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल जाती थी, जितनी भी कहानी है आप ने सुन रखी है श्री कृष्ण की, सब यहाँ पे जितना संभव हुआ है कलाकार से सबको यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरती से चित्रित किया गया है। ये पल्लव राजवंश द्वारा बनवाया गया एक अद्भुत कलाकृति का नमूना है जो कि 4 से 5 हज़ार वर्ष पहले का बना हुआ है और अभी भी जीवंत रूप में है। प्लीज़ आप बने रहिए एपिक रूट्स के साथ। एपिक रूट्स प्रतिबद्ध है आपको आपके हिस्टोरिकल रूट्स से मिलवाने के लिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप देख सकते हैं कि ये केप टेम्पल कितना ही भव्य और कितना खूबसूरत है। इसको पल्लव राजवंशों द्वारा बनवाया गया था, मम्मल शैली के अंतिम चरण में रखा जा सकता है इसको। इस गुहा मंदिर की नियोजन विशिष्ट प्रकार की है। मंदिर कक्ष मंडपम के पीछे प्रक्षेपित व प्रदक्षिणा हेतु अधूरे प्रदक्षिणा पथ की व्यवस्था है। अभिमुख हार तत्व युक्त है। स्तंभ में तथा कपोत के नीचे का भाग बैल से अलंकृत है जैसा कि चालुक्य उदाहरणों में दृष्टिगत होता है। स्थानीय स्तर पर यह गुहा मंदिर पंडपम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसके भव्यता को देखिए, निहारिए, जितना भी निहारिएगा आपको उतना ही ये अचंभित करेगा। आगे मिलते हैं अर्जुन मंडपम की ओर। जय जय सियाराम। केप टेम्पल के जस्ट बगल में ये अर्जुनास पिनंसी है या फिर अर्जुना का तपस्या स्थल इसको कह सकते हैं। इसको बड़ी खूबसूरती से पूरे रॉक को काट करके कितना सुंदर से स्कल्पचर यहाँ पर बनाया गया आप देख सकते हैं। दूसरे तौर पे इसे भागीरथी की तपस्या भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से गंगा का अवतरण हुआ था, भागीरथी भी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लंका में लंका में विजय प्राप्त करने के लिए जब समुद्र पे ब्रिज बना था तो यहाँ पे बानरों की सेना को भी दिखाया गया है, हाथी हैं, उनके बच्चे हैं, यहाँ बिल्ली है। जरूर यहाँ पे कलाकार को कुछ नटखटपन आया होगा मन में कि एक बिल्ली भी तपस्या कर रही है और चारों तरफ उसके चूहे बैठे हुए हैं। तो ये अद्भुत कला का परिचय देते हुए ये मंडपम आपको बहुत ही आकर्षित करेगा। महान महाकाव्य महाभारत के प्रसिद्ध कथा की राता अर्जुन पर आधारित महाबलीपुरम का यह विशाल चट्टान शिल्प पल्लव मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दो विशाल चट्टानों पर वन्य जीवों का सजीव नैनाभिराम अंकन हुआ है। कठोर तप के पश्चात शिव द्वारा अर्जुन को प्रदान स्वरूप पाशुपतास्त्र प्रदान करने की कथा को यहाँ उत्कीर्णित किया गया है। इस घटना को साक्षी तीनों लोगों का जीवंत अंकन यहाँ देखने को मिलता है। कितनी खूबसूरती से है। इस दृश्य के नीचे भगवान विष्णु का लघु मंदिर भी दृश्यगत होता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे विद्याधर ब्रह्मा शास्त्र का तपस्या स्थल है, उन्होंने शिव की आराधना की थी। यहाँ कार्तिकेय जी भी मौजूद हैं और भी देवी देवता लोग हैं। आप देख सकते हैं इनके स्कल्पचर को बहुत ही खूबसूरत है। और इतना ही नहीं, कृष्ण जी का ये गोकुल या वृंदावन नहीं है लेकिन ये इसको माखन बनाने का बर्तन बोला जाता है। ये बड़ा सा विशाल सा है, अभी इसमें बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। पास में फिर वही शिव जी का मंदिर है, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर इसकी कलाकृति। एक एक चीज़ को देख सकते हैं, पूरे पहाड़ को बस काट करके ये बनाया गया है। कोई अलग अलग पत्थर कहीं से कोई ज्वाइंट नहीं है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य है। यहाँ फिर से पत्थरों पर हाथी की कलाकारी, हाथी और उनके बच्चे, मोर कितनी खूबसूरती से, पास में एक बंदर भी है। पूरे जंगल एनवायरनमेंट को दिखाया गया है बहुत ही बेहतर तरीके से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पहले के ज़माने में पत्थरों को कैसे तोड़ा जाता था, क्योंकि उस समय डायनामाइट का यूज़ नहीं होता था। तो पहले पत्थरों को छोटे छोटे छेद कर दिया जाता था, लाइक दिस आप देख सकते हैं।
ये है सामने में पत्थर, पत्थर पे बना हुआ छेद। इसमें लकड़ी के टुकड़ों को भर दिया जाता था और पानी डाल दिया जाता था। जब लकड़ी के टुकड़े पानी की वजह से फूल जाते थे तो फिर इस चट्टान में खुद से ही दरार आ जाता था। तो इस तरीके से पुराने ज़माने में जो है पहाड़ों को, पत्थरों को, चट्टानों को तोड़ा जाता था। ये है पुरानी विधि। आप देख सकते हैं कितनी ही बारीकी से इसमें छेद किया गया है और इसको करने में भी कम मेहनत नहीं लगा होगा। आगे है भीम किचन। ये जगह, ये चट्टान के नीचे जो आप देख रहे हैं गुफा टाइप से, केव टाइप से, इस ये भीम किचन के नाम से प्रसिद्ध है। पता नहीं साउथ में यहाँ भीम आए थे नहीं आए थे, लेकिन हाँ ये पूरे महाभारत को और श्री कृष्ण के जीवनी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। अब और हम आगे चलते हैं आपको और भी खूबसूरत डेस्टिनेशन से मिलवाने के लिए। ये देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों पे जिस पर हम अभी चल रहे हैं, नीचे सबको काट काट के कितनी खूबसूरती से केव और मंदिर बनाया गया है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, हम आ गए हैं बटरबॉल के पास। जी हाँ, ये विश्व प्रसिद्ध बटरबॉल है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो इंसान यहाँ पे अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता है, स्लिप कर जाता है। यहाँ इतना बड़ा चट्टान ये कितने अच्छे तरीके से खड़ा है, इसका क्या साइंटिफिक रीज़न है ये समझना बहुत ही मुश्किल है। कहा जाता है कि सिक्योरिटी दृष्टि से तब के समय के राजाओं ने बहुत सारे हाथियों को लगा करके इस चट्टानों को गिराने की कोशिश भी की थी, क्योंकि अगर ये चट्टान ढलान से लुढ़क जाता तो इंसानों की जान जा सकती थी। लेकिन वो हाथी भी इनको कुछ नहीं कर पाए। इंसान भी जहाँ बहुत ही मुश्किल से स्टे कर पा रहे हैं, वहाँ इतना बड़ा चट्टान आप देख सकते हैं कितनी कितना शानदार तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित है, स्थगित है। और हाँ, ये सचमुच बटरबॉल ही है। टूरिस्ट की यहाँ तो भीड़ लगी होती है, बड़े क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, यहाँ आकर के सभी बच्चे बन जाते हैं। आप देख, आप सामने में देखिए कितना खूबसूरत ये जगह है, कितना सुंदर, हरा भरा पहाड़, हरियाली, सब कुछ। फिर से वही पत्थर, दूसरे चट्टान का है ये दृश्य, जहाँ से आप पत्थर तोड़ने की विधि को यहाँ पे दर्शाया गया है, या फिर पुराने ज़माने से ही यहाँ पे स्थगित है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप आइए, ज़रूर आइए। ये हमारा हिस्टोरिकल रूट है, इसे देखना हमारा कर्तव्य है, हमारी धरोहर को सजोना और आगे हमारी पीढ़ी को यहाँ पे वितरित करना, ये हमारा दायित्व है। हमारे साथ आप बने रहिए, एपिक टूर्स के साथ बने रहिए, आपको ऐसे ही भव्य जगहों से मिलवाता रहेगा। यहाँ देख सकते हैं एक और मंदिर है, कितना विशाल है, कितना भव्य, कितना खूबसूरत है। सिर्फ पहाड़ों को काट काट करके कितने अच्छे तरीके से, कितनी सुंदर कलाकृति की गई है। बहुत ही मुश्किल है इसको शब्दों में पिरोना, जितनी इसकी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। हर एक को यहाँ पे दर्शाया गया है, देवी देवता है, नाम तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एकदम मंत्रमुग्ध करने वाला। आप देख सकते हैं हर दीवार कोई ना कोई कहानी कह रही है। ये दीवार का छत भी है, देखिए कितना सुंदर से अलंकृत किया गया है, बहुत ही सुंदर। ये लग रहा है जैसे माँ दुर्गा का यहाँ पे चित्र उकेरा गया है, बहुत ही सुंदर, कितना सुंदर स्कल्पचर है। तो इसी के साथ आप हमारे एपिक रूट के साथ बने रहिए, हम आपको ये हमारा महाबलीपुरम का, ये साउथ का आखिरी वीडियो है। ये देखिए मंदिर कितना भव्य, कितना सुंदर है। तो हम आपको फिर से मिलेंगे नए डेस्टिनेशन के साथ, नए स्टेट के साथ। हम आपसे वादा करते हैं
आपको बहुत ही खूबसूरत जगहों से मिलाएंगे। अब हमारे फ्लाइट का टाइम हो चुका है और हम जा रहे हैं चेन्नई एयरपोर्ट, तो तब तक के लिए बाय बाय। और ये बटर बॉल के बगल से स्लाइड पे मैं भी थोड़ा जाते जाते थोड़ा सा मस्ती कर ही लेती हूँ, तो फिर हाँ देखिए इस तरीके से मैं भी खुद को नहीं रोक पाई। तो गाइस तमिलनाडु टूर में तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन हमारी यात्रा यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन के साथ। जय जय सियाराम।